ये जो 19 लाख लोगों का नाम छाटा गया है, ये 19 लाख लोगों में 7 लाख लोगों का नाम मुस्लिम लोगों का है और 12.5 लाख लोगों का नाम है जो नॉन मुस्लिम है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बंगाली भाषी है, भोजपुरी भाषी है और विभिन्न प्रदेश से आए हुए जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं, पंजाब से गए हुए, आसाम में बस गए, ये पंजाबी भाषी लोग हैं, मद्रास से गए, तेलंगाना से गए, हैदराबाद से गए, साउथ इंडिया से गए, वो वहाँ पर जाकर बस गए, ऐसे लोगों का नाम जो है इस एनआरसी की सूची में गायब किया गया। सबसे पहली बात कि जो बिहार से जो लोग गए हैं, पंजाब से लोग गए हैं और देश भर के अलग अलग महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और विभिन्न स्टेट से जो लोग जाकर असम में बस गए, एनआरसी का मकसद था बांग्लादेशी लोगों को चिन्हित करना कि बांग्लादेश से कौन से लोग आए हुए हैं भारत वर्ष में। और एनआरसी के जो अधिकारी हैं, इन्होंने चिन्हित किया, क्या चिन्हित किया कि पंजाब से जो लोग आकर आसाम में बस गए ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो महाराष्ट्र से चलकर लोग अपने रोजी रोजगार में, राजस्थान से चलकर रोजी रोजगार में वो लोग आसाम में जाकर बस गए, 1971 से पहले ही नहीं, 1947 के पहले से लग बसे हुए हैं। और असम में तिनसुकिया एक जगह है, जो जिला है तिनसुकिया जिले में, मेरा एक रिलेटिव जो यूपी के जौनपुर से है, वो 250 साल पहले उनका परिवार वहां बस गया। और जो एनआरसी बनाने वाले जो कर्मचारी है, ये एनआरसी बनाने वाले लोग कहते हैं कि ये 19 लाख जो लोग हैं, ये 19 लाख लोगों में ये जो अलग अलग प्रदेश से जो लोग गए हुए हैं वो बस गए, ये बांग्लादेश के भी बांग्लादेशी लोग हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बिहार भारत का राज्य है, पंजाब भारत का राज्य है, गुजरात भारत का राज्य है, महाराष्ट्र भारत का राज्य है और महाराष्ट्र के लोग आसाम में जाकर बस गए तो वो बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आसाम में एनआरसी के नाम पर संविधान के विरोध में जाकर बहुत भयंकर खेल खेला जा रहा है। साथियों, ऐसे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आसाम में बसे हुए हैं, उनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे एक साथी आए हुए हैं हरिदास सरकार जी, वो बुजुर्ग आदमी हैं, वो आसाम में पढ़े, उनका आसाम में जन्म हुआ, आसाम में बड़े हुए, उनका नाम एनआरसी में आ गया लेकिन उनकी लड़की का नाम जो है एनआरसी के लिस्ट से गायब हो गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बाप भारत का नागरिक है लेकिन भारत उसकी जो बेटी है वो भारत का नागरिक नहीं है, वो बांग्लादेशी है। ये कौन सा खेल जो है एनआरसी के नाम पर हमारे देश में चल रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चल रहा है, ये कोई ऐरू बैरू नथू खैरू के देखरेख में नहीं चल रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में ये खेल चल रहा है। यहां बैठे हुए हैं हरिदास सरकार जी, इनका लड़का का नाम आ गया, इनका पहले लिस्ट सेकेंड लिस्ट जो आया था उसमें दो लड़के का नाम नहीं था और अभी जो थर्ड लिस्ट जो फाइनल लिस्ट है उस फाइनल लिस्ट में इनकी जो छोटी लड़की है, इनकी छोटी लड़की का नाम उस लिस्ट से गायब हो गया। आप दुनिया का सिद्धांत है, बाप यदि भारत का नागरिक है और वैध नागरिक है तो उसका सारे संतान उसके भारत के वैध नागरिक होने चाहिए, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लड़के बच्चे सारे भारत में जन्म लिए तो वो बांग्लादेशी कैसे हो सकते भाई? इसका मतलब ये बहुत बड़ा खेल जो है आसाम में एनआरसी के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का नाम छाटने का काम षड्यंत्र पूर्वक किया गया। ये बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र देश के लोगों को मालूम नहीं है,
और अमित शाह ये दिल्ली में और उधर गुवाहाटी में जाकर कहता है कि हरिदास सरकार भारत का नागरिक है और उसका बेटी जो है वो घुसपैठिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, देश का गृह मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यह प्रमाण है यहां पर, ये जितने आए हुए जो लोग हैं इसमें किसी ना परिवार में किसी ना किसी आदमी का जो नाम है, उनके परिवार का लड़का हो या लड़की हो, माँ हो, उनका नाम उस एनआरसी के लिस्ट से गायब कर दिया गया है। परिवार के चार लोगों का नाम आया, दो लोगों का नाम नहीं आया। और ऐसा खेल एनआरसी के हर जिले में हुआ है। जितने जिले हैं आसाम में और सारे के सारे जिलों में ऐसा किया गया है। और सबसे बड़े पैमाने पर जो बंगाली भाषी लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करके ऐसा किया गया है। ऐसे लोगों को टारगेट करके ऐसा किया गया है, मैं इसका प्रमाण आपको बताता हूं। अभी जो तीसरा लिस्ट निकला, इस तीसरे लिस्ट में राजवंशी आसाम में एक शासक करती जमात है, एक राजवंश हुआ था, राजवंशी कोच राजवंशी जिसको कहते हैं, जिसकी पीढ़ियों ने आसाम में 200-300 साल पहले राज किया। और आज उन राजवंशी लोगों का नाम एनआरसी की सूची से गायब हो गए। तो हमने पूछा कि ये राजवंशी लोग जो आसाम के 300-400 साल पहले राज किया, उनका नाम एनआरसी के सूची से कैसे गायब हो गया। तो हमारे लोगों ने, जो हम गांव में जब मीटिंग लिए, तो उन्होंने बताया कि बंगाली लोगों का जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका टाइटल रॉय है, उनका टाइटल विश्वास है, उनका टाइटल सरकार है। और राजवंशी लोगों का जो टाइटल है, उनका भी टाइटल रॉय है, उनका भी टाइटल विश्वास है, उनका भी टाइटल सरकार है। तो इसका मतलब यह है कि एनआरसी में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने प्रमाण पत्र देखकर नाम काटने का काम नहीं किया, बल्कि टाइटल देखकर कि ये बंगाली हो सकता है। क्योंकि राय जो टाइटल है उसका लिखा हुआ है, उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि यह बंगाली है या राजवंशी है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है एनआरसी की सूची में कि ये बंगाली है या राजवंशी है। लेकिन जो नाम काटने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये सरकार है तो जरूर बंगाली होगा, ये रॉय है तो जरूर बंगाली होगा, ये विश्वास है तो जरूर बंगाली होगा। और इसके आधार पर वो सारे राजवंशियों का नाम काटने का काम, उनके परिवारों में भी तीन का रखा तो दो का काट दिया, चार का रखा तो तीन का काट दिया, ऐसा काम जो है उन्होंने एनआरसी में किया। तो तीसरी बात, 1971 24 मार्च ये कट ऑफ डेट रखा गया है आसाम में रहने वालों के लिए, कि आसाम में 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग रह रहे हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, वो आसाम के नागरिक माने जाएंगे, उनका नाम एनआरसी के सूची में रखा जाएगा। और 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनको बांग्लादेशी माना जाएगा। ये कट ऑफ मार्क एनआरसी के लिए रखा गया है। और आपको मालूम होगा, राजीव गांधी के सरकार के आने के पहले भारतवर्ष में वोट डालने का उम्र 21 साल हुआ करता था। 21 साल के उम्र में हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार था। और हमारे समाज की जो महिलाएं थी, जो जन्म लेती थी, तो जन्म लेने के बाद कोई भी पिता अपने बच्ची का जन्म सर्टिफिकेट बनाने का प्रचलन न होने के कारण, जन्म सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट किसी ने नहीं बनवाया। और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाने के कारण उस लड़की का पिता को लिंक करने वाला कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं हुआ। भारतवर्ष में स्कूल जाने का भी कोई प्रचलन उस जमाने में नहीं था, अभी भी नहीं है, बहुत सारे परिवार के बच्चे नहीं जाते। तो बहुत सारी महिलाएं भी स्कूल नहीं गई, और स्कूल नहीं जाने के कारण
स्कूल का कोई सर्टिफिकेट उनके नाम पर उपलब्ध नहीं है। स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट उनके नाम पर उपलब्ध नहीं है। और वोटर लिस्ट जो बनता था वो 21 साल के बाद बनता था। और भारतवर्ष में महिलाओं की जो शादियां उस समय होती थी 21 साल के पहले ही हो जाती थी, किसी की 14 साल में, किसी की 12 साल में, किसी की 18 साल में। और 21 साल के पहले शादी होने के बाद महिलाएं शादी करके पति के घर में चली जाती थी। और पति के घर में जाने के बाद जब वोटर लिस्ट उसका उम्र, जब वोट देने का उम्र होता था तो वोटर लिस्ट में उसका नाम चढ़ता था। और नाम चढ़ने के बाद उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में उसके पति के नाम से चढ़ता था। और जितने भी वोटर लिस्ट बनाए गए उसके पति के नाम पर बनाए गए। और एनआरसी का जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि कोई भी आदमी उसका पिता के साथ उसका लिंक होने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब महिलाओं का डॉक्यूमेंट तो पिता के लिंक का होने हुआ नहीं। इसका क्या का, इसका परिणाम यह हुआ कि आसाम में मैक्सिमम जो महिलाएं हैं उनका नाम एनआरसी के लिस्ट से हटा दिया गया। जो आसाम की वैध नागरिक है, लीगल नागरिक है, उसके बावजूद भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने के कारण मैक्सिमम महिलाओं का नाम हटा दिया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे हुए जज लोग हैं उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि महिलाओं के साथ यदि हम ये लागू करेंगे तो उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था हमको क्या करना होगा। महिलाओं इस तरीके से तो महिलाएं, तो मैक्सिमम महिलाएं उसका नाम जो है वो नाम छट जाएंगे। ये भयंकर धोखाधड़ी जो है एनआरसी के नाम पर हुआ। और भारत वर्ष की जो महिलाएं, जो भारतीय नागरिक है, उनका नाम एनआरसी के लिस्ट से हटा दिया गया। ये जो 19 लाख लिस्ट जो आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं ये 19 लाख लोग ऐसे हटाए गए हैं, ऐसे वैसे नहीं हटा, इस तरीके से हटाए गए हैं। 34 नंबर, जब वोटर लिस्ट बनाया गया वो वोटर लिस्ट में किसी का नाम हरिदास सरकार है, किसी का नाम हरिदास सरकार है, लेकिन वोटर लिस्ट जब बनाया गया तो उसमें हरिदास साहू लिख दिया, तो ये सरकार की गलती से हुआ। अब जब एनआरसी का जब लिस्ट बनाया गया तो लोगों के पास डॉक्यूमेंट हरिदास सरकार का है और सरकार के जो डॉक्यूमेंट है उसमें हरिदास साहू है, तो हरिदास साहू का हरिदास सरकार से डॉक्यूमेंट मिल नहीं खा रहा है, इसीलिए ये वो आदमी नहीं है, इसका नाम हटाओ। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस तरह करके ये 19 लाख लोग जो विदेशी बताए जा रहे हैं ऐसे लोगों का नाम जो है काटा गया है। अरे भाई, तुम जब वोटर लिस्ट तैयार करने आए थे तो उसका नाम HARITAS SARKAR है, तो लिखने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी थी कि उसका नाम भी हरिदास सरकार ही लिखा जाए, लेकिन तुमने लिखा क्या, हरिदास साहू। तो उसमें उस नागरिक का गलती नहीं है, ऐसा करने में उस जनता का गलती नहीं है, उस भारतीय नागरिक का गलती नहीं है, सरकार के लोगों की गलती है। लोगों ने इसका एफिडेविट बनाकर भी दिया लेकिन एनआरसी के अधिकारियों ने उस एफिडेविट को मानने का काम नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एफिडेविट को उन्होंने बोला कि नहीं, एफिडेविट नहीं चलेगा। इस तरह का षड्यंत्र करके ये जो लिस्ट है 19 लाख तक पहुंचाया गया। साथियों, भारत वर्ष के संविधान के अनुसार कोई भी अपना टाइटल चेंज कर सकता है, कोई अपना टाइटल हटा सकता है, और कोई अपना टाइटल, जो महिला है शादी के बाद उसके पति के नाम पर आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे घरों में मैंने जाकर देखा कि उसका नाम चेंज, टाइटल चेंज हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो अलग है। टाइटल अलग होने के कारण उसका नाम जो है एनआरसी के लिस्ट से हटा दिया गया। अरे भाई, वो आदमी इस देश का नागरिक है और वही आदमी उसका जो कागज में लिखा हुआ है वही आदमी है, इसका प्रमाण अंतिमता कौन देगा?
जो उस गांव का जो मुखिया है, उस गांव का जो प्रधान है, वो यदि लिख कर देता है कि हाँ ऐसा ये आदमी जो है जिसका नाम टाइटल ये था और ये चेंज हो गया, क्योंकि वो गांव का मुखिया है, गांव का प्रधान है, और वो लिख कर देता है, तो दुनिया की सरकार इसको मानती है। लेकिन एनआरसी के अधिकारियों ने बोला कि ऐसे मुखिया गांव बूढ़ा का नाम जो है यदि वो लिख कर देता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? साथियों, इस तरह का जो खेल है, इस तरह का खेल उन्होंने इस तरह से खेला और ऐसे करके उन्होंने 19 लाख लोगों का नाम, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के हो, उनका नाम हटा दिया। साथियों, भाषा आधार पर भी बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव हमारे लोगों के साथ किया गया कि ये बंगाली भाषी लोग हैं, इनका नाम भाषा के आधार पर काटा जाए, ये बिहार के भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, इनको नाम से काटा जाए। इस तरह के आधार पर भाषाई भेदभाव हुआ और भाषाई भेदभाव के आधार पर इनका नाम काटा गया। आपको मालूम होगा 1979 से लेकर 83 तक बंगाली भगाओ और हिंदी भाषी भगाओ आंदोलन चला था, असम के लोगों ने चलाया, और वो आंदोलन इतना उग्र आंदोलन था कि उसमें लगभग 800 से 900 लोग मारे गए थे। और ये आंदोलन इतना बड़े पैमाने पर बढ़ा कि आसाम के गांव-गांव में जो बंगाली भाषी लोग हैं, जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, उनके घरों को जलाया गया, गांव के गांव जलाया गया, रात रात में जलाया गया। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गए। अब जब घर छोड़कर भाग गए तो उनका सारा जो डॉक्यूमेंट था वो घर में रह गया, वो सारा डॉक्यूमेंट उनका घर में रह गया, और उस आग के साथ उनका घर भी जला और उनका डॉक्यूमेंट भी स्वाहा हो गया। इसके कारण बहुत सारे जो गांव-गांव में जो इनके घरों को जलाया गया, उनके डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लायक आज की स्थिति में नहीं है, वो सबमिट नहीं कर पाए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके घरों में थे, वो सबमिट नहीं कर पाए। और असम के बारे में जाना जाता है, पूरे देश भर के लोग जानते हैं कि असम में बाढ़ ग्रस्त एरिया बहुत बड़े पैमाने पर आती है, हर साल आती है। और इस साल जो बाढ़ था, ये बाढ़ इतनी भयानक आई थी कि 33 जिलों में से 27 जिलों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था। और अभी जो भारतवर्ष की जो महिला है, ये हिमा दास, ये भी शेड्यूल कास्ट की है, ये भी शेड्यूल कास्ट की है, और उसने भारत के लिए एक महीने के अंदर में 5 और 6 गोल्ड मेडल जीता। उसने आह्वान किया कि आसाम के लोग अभी 27 जिलों में बाढ़ ग्रस्त है, उसके लिए मदद की जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसी दौरान एनआरसी की प्रक्रिया चल रही थी, लोग बाढ़ ग्रस्त होने के बावजूद भी एनआरसी की प्रक्रिया में शामिल होने चाहिए, वो बाढ़ में रहना मंजूर किया, लेकिन एनआरसी की प्रक्रिया से अपना दस्तावेज सबमिट करने के लिए पीछे नहीं हटे। और बहुत सारे ऐसे गांव एक ऐसे समय में आए थे, बाढ़ आए थे, उनके गांव के गांव दह गए, उनका डॉक्यूमेंट भी दह गया। ऐसे लोगों का भी नाम एनआरसी के लिस्ट में नहीं आ पाया। साथियों, ये जो एनआरसी के अधिकारी है, एनआरसी का जो काम करने वाले लोग है, कितने निर्दयी हैं, ये जो परिस्थिति है उनका आकलन उन्होंने नहीं किया, और उनका नाम जानबूझकर भारत के संविधान से जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को खत्म करने का काम इन्होंने किया। साथियों, अब आते हैं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश से जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन होने के बाद 1947 में भारत विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन होने से दो देश बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक भारत। जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ वो बाद में बांग्लादेश कहलाया, 1971 के बाद जो मुक्ति आंदोलन
पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों ने किया पाकिस्तान के विरोध में, उससे आजाद हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आसाम में पहले आसाम जो है वो बांग्लादेश का पार्ट था, बंगाल का पार्ट था, बांग्लादेश नहीं। जो अभिभक्त बंगाल था भारतवर्ष में वो बंगाल का पार्ट था। आसाम का पार्ट कौन कौन सा था मैं आपको बताता हूं। बिहार आसाम का बंगाल का पार्ट था, उड़ीसा बंगाल का पार्ट था, पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसको आसाम कहते थे वो आसाम भी बंगाल का पार्ट था, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं आज भी आसाम में 99% बंगाली भाषी लोग हैं। उधर करीमगंज जिला जो है वो सिलहट से लगा हुआ है, सिलचर जो जिला है पूरी तरह से बंगाली भाषी एरिया है, हाइलाकांडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्ण तरह बंगाली भाषी एरिया है। आप इधर धुबरी चले आए बंगाल के बॉर्डर के तरफ, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के तरफ धुबरी, ये भी बंगाली भाषी बोलने वाले लोग हैं। ग्वालपारा में बड़े संख्या में बंगला भाषी लोग बोलते हैं। ये जो जिले हैं ये कभी भी आज का जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश का पार्ट नहीं रहा कभी। जो आज बांग्लादेश बन गया है वो बांग्लादेश में नहीं था कभी, वो इंडिया का ही पार्ट था और असम का पार्ट था, अविभक्त बंगाल का पार्ट था वो। तो जो अभी असम में ये बंगाली लोग रह रहे हैं तो मूल रूप से तो पहले से ही हजारों साल से वो रह रहे हैं, वहां उनके पुरखे उनके वंशज वहां रह रहे हैं, और समय के कालांतर में वो धीरे धीरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर गए। ऐसे लोगों का भी नाम एनआरसी में काट दिया गया। और 1971 के पहले बांग्लादेश से जो लोग आए इंडिया में और असम में घुसे, बंगाल में घुसे, पश्चिम बंगाल में, तो अपने साथ 1971 के पहले का बात कर रहा हूं, अपने साथ आए तो अपने साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आए थे। भारतवर्ष में आए तो भारत की सरकार ने उनको सिटीजनशिप प्रमाण सर्टिफिकेट दिया उनको कि इनको आपको, क्योंकि बंगाल बांग्लादेश से आप यहां आए हैं, पूर्वी पाकिस्तान से यहां आए हैं, अब आप असम में रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, आपको भारत की नागरिकता दिया जाता है। बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप बनाए गए तो उन रिफ्यूजी कैंप में उन्होंने रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया 1971 के पहले। 1971 के पहले रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया कि 1971 के पहले पूर्व बंगाल से जो लोग यहां आ गए हैं असम में उनके लिए रिफ्यूजी एरिया बनाया जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन करके उनका सर्टिफिकेट उनको प्रमाणित किया जाता है। बहुत सारे लोग असम में 1971 के पहले से रहते आ रहे हैं और उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो सारा होने के बाद भी 1971 के पहले का इनका भी नाम एनआरसी से काट दिया गया है। है कि नहीं काटा हुआ? बांग्लादेश आ जाएगा हमारे हिंदुस्तान। अरे भारत की सरकार ने उनको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दिया 1971 के पहले, उनका नाम एनआरसी से कैसे गायब हो गया? इसका मतलब यह है कि ये जो खिलवाड़ चल रहा है भारत के संविधान के साथ, ये खिलवाड़ बहुत भयानक खिलवाड़ है। भारत का संविधान हर नागरिक को उसको नागरिकता का अधिकार देती है और ये नागरिकता का अधिकार केवल अधिकार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार है। ये नागरिकता का अधिकार केवल अधिकार नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के विरोध में जाकर देश का कोई भी सरकार काम नहीं कर सकता, सरकारी मिशनरी काम नहीं कर सकती, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एनआरसी के विभाग ने, एनआरसी के अधिकारियों ने लोगों के नागरिकता को समाप्त करने का काम किया,
यह केवल समाप्त करने का काम नहीं है, संविधान के विरोध में जाकर समाप्त करने का काम किया, इन्होंने संविधान द्रोह करने का काम किया। और जो लोग संविधान का द्रोह करते हैं वो संविधान द्रोह तो होते ही हैं, वो राष्ट्र के नाम पर भी द्रोह करते हैं। और ये काम एनआरसी के माध्यम से हमारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को काट दिया गया। 1951 में पहला बार एनआरसी बनाया गया था, और 1951 का जो एनआरसी है वो अभी भी उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे गांवों का एनआरसी का जो 1951 का लिस्ट है वो गायब हो गया है, सरकार के पास उसका डाटा नहीं है बहुत सारे गांव का। और 1971-66 तक जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी वो वोटर लिस्ट भी बहुत सारे गांव के गायब है, असम सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं उनके घरों में रिकॉर्ड उपलब्ध है। 1951 में जो डॉक्यूमेंट उनको मिला था वो डॉक्यूमेंट भी उनके पास उपलब्ध है, और 66 के पहले जितने भी वोटर लिस्ट बनाए गए थे तो वोटर लिस्ट तो उनके पास नहीं था, लेकिन उस समय मतदान करने के लिए उनको जो पर्चा दिया गया था वो पर्चा का सबूत अभी भी उनके पास में है, वो पर्चा का सबूत अभी भी उनके पास में है। वो लेकर जब सरकारी विभाग में गए तो सरकार के लोग कहते हैं कि ये तो सरकार के पास है, इसका कोई डाटा ही नहीं है। अरे भाई, जनता ने वो कागज संभाल के रखा तो सरकार को क्या वो कागज संभाल के नहीं रखना चाहिए था? बहुत सारे गांवों के वोटर लिस्ट गायब किए गए और एनआरसी के लिस्ट गायब किए गए, और उनका जो वोटर लिस्ट और एनआरसी की लिस्ट गायब हो गए, उनका नाम आज भी एनआरसी के लिस्ट में नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस डॉक्यूमेंट को भी वो लोग नहीं माना। इतना भयानक काम किया एनआरसी के इन अधिकारियों ने। और बड़े दुख की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हो चल रहा है ये जो एनआरसी का काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंदर में ऐसे नागरिकों का जो वैध भारतीय नागरिक है उनका नागरिकता का अधिकार भी खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हुआ। संविधान कहता है कि भारत का मूलभूत अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं इनकी रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चाहिए था इन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, इनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं कर पाई। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहां बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे क्या जरूरत है? आप लेबर की चेक करने गए थे, कितना दिन हाजिर लगता है? ये देखिए साथी हमारे बोल रहे हैं, एक भी दिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया। बैठिए। एक भी जज और एक भी उसका प्रतिनिधि आसाम में नहीं गया कि मैंने जो गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन वहां सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना भयानक काम चल रहा है। इससे तो अंग्रेज के जमाने में था, बहुत अच्छा था कि यदि किसी गांव में कोई अपराध होता था तो जो जिला का जो जज है वो जज खुद जांच करने के लिए उस गांव में जाता था कि वास्तव में क्राइम का एविडेंस वहां हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन साथियों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी आज के तारीख में हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रही है। कितनी भयानक स्थिति इस देश में निर्माण हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे हुए जो जज है वो जज भी सुप्रीम संविधान में जो दिए हुए जो अधिकार है उन अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में आज के तारीख में विफल है। कितनी बड़ी सेम की बात है ये। 19 लाख वैध भारतीय नागरिकों का एनआरसी में लिस्ट, गलत तरीकों से उनका नाम हटा दिया गया, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने देखने तक का काम नहीं किया कि वास्तव में ये जो 19 लाख लोग हैं इनका डॉक्यूमेंट है भी या नहीं। जो आसाम में बैठे हुए एनआरसी के जो लोगों ने, जो अकाउ ने जो फैसला किया उसी को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने।
अभी सारे सबूत इकट्ठा करके भारत मुक्ति मोर्चा अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाली है केस के साथ। ये सारे सबूत लेकर हम अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले, और इन एनआरसी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी पट्टी बांधने का काम किया, तो ऐसे जो एनआरसी के अधिकारी है इनको भी हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। और जो प्रतीक हाजेला है, ये प्रतीक हाजेला ने भी सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं किया, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का काम ये प्रतीक हाजेला ने किया। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, बहुत सारे एनआरसी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमारे लोगों को, जो नागरिकों को उन्होंने मिसगाइड किया। जो लीगल डॉक्यूमेंट लेकर गए तो उनको बोला कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं भी दे हुए थे चलेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट दे दो। और जो वैध डॉक्यूमेंट था, जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट था, उसको स्वीकार नहीं किया, जो कमजोर डॉक्यूमेंट था उसको सबमिट कर लिया। इस आधार पर भी बहुत सारे नागरिकों का जो है एनआरसी से नाम हट गया, कट गया। अभी एक वो डॉक्यूमेंट मैं ला नहीं पाया, अभी कुछ दिन पहले हमें वो डॉक्यूमेंट मिला था, 1966 के वोटर लिस्ट में उसका नाम है, और 96 के पहले 58 का उसके पास जमीन उसका था, उसके पिताजी के नाम पर, वो उसका दादाजी के नाम पर वो जमीन के कागजात था, और कागजात होने के बावजूद भी उसका नाम एनआरसी में नहीं आया। जो सेकंड लिस्ट बनाई गई थी, उस सेकंड लिस्ट में एनआरसी में नाम नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप उसका क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उसका क्या हुआ कि वो इतना मानसिक रूप से दुखी हो गया, वो अपने आप को पिछले एक साल पहले सुसाइड कर लिया। और जो थर्ड लिस्ट निकला, उस थर्ड लिस्ट में भी उसके परिवार का नाम नहीं है। ऐसे जो नागरिक, भारतवर्ष के जो वैध नागरिक है, इसके साथ इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इसके समर्थन में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। इतनी भयानक स्थिति और परिस्थिति निर्माण हो गई है। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा ने ये जो राष्ट्र से संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस संविधान के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे को पूरे देश का मुद्दा बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये गरीब गुरवे लोग, आपको मालूम नहीं होगा, ये लोग अपना घर का चावल बेचकर आए। यहां आने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, जो घरों में जो अनाज थे, अनाज बेचकर ये लोग आए हुए आए कि नहीं भाई साहब? इनकी आवाज को कौन बुलंद करेगा, जिनको दो वक्त खाने के लिए नहीं है, दिल्ली जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। ये सारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। इतनी भयानक खेल जो है आसाम में चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।